हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपने पिछला व्लॉग ज़रूर लाइक किया होगा। और अभी जो अगला व्लॉग है, आज मैं घर जा रही हूँ हिमाचल, और एक पिछली क्लिप डाल देती हूँ जब मैं जीएन स्वीट्स, गुरु नानक स्वीट्स गई थी। तो वहाँ जाने से पहले, मतलब मैंने घर के लिए एक तो शुगर फ्री मिठाई ली, क्योंकि घर में जो सिद्धार्थ के पापा हैं, यानी कि मेरे भी पापा, लेकिन स्पेसिफिकली है ना, अगर मैं बोलती पापा तो लगता कि मेरे खुद के वाले पापा, ठीक है, वो तो बहुत मतलब मीठा खाते हैं और चाय भी काफ़ी पीते हैं, पर सिद्धार्थ के जो पापा हैं उनको डायबिटीज़ है। तो मैंने एक शुगर फ्री मिठाई ली, और कल मंगलवार था तो मुझे हनुमान जी के जाना था, तो मैंने लड्डू लिए। और उसके बाद अब आज वेडनेसडे है, मैं सुबह पहले इंस्टीट्यूट से अपनी क्लास लेके आई। अब मैंने सारा सामान अपना पैक कर लिया है और अब मैं हिमाचल जाने के लिए रेडी हूँ। सो पहले जाना है मुझे फेज 6 मोहाली मैक्स हॉस्पिटल के पास, वहाँ से मेरी कैब मुझे मिलेगी और फिर मैं वहाँ से हिमाचल जाऊँगी। सो चलिए मैं चलती हूँ फटाफट से, मतलब अपनी कैब लेती हूँ, फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। And then my cab has came and now I'm sitting in my cab and चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं मैक्स हॉस्पिटल के सामने। मैं पहुँच चुकी हूँ एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई कैब। और ये देखिए मेरा सामान, रुके दूसरी साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए दो बैग हैं मेरे ले जाने के लिए, जैसे ही अब कैब आएगी तो उसमें सामान लोड करके फिर चलते हैं हम हिमाचल की तरफ। ये देखिए ऑटो, प्यारा ऑटो, देखो नज़दीक जाना होता तो ऑटो में जाते, लेकिन क्या करें। और ये देखो हमेशा सामान जो मतलब ज़्यादा लेके जाना है लगेज, तो ऐसे होता है सीट पे रखना पड़ता है बैग, भाई क्या कर सकते हैं। एंड नाउ वी कैन सी ग्रीनरी, मतलब हम हिमाचल में हैं, तो आपका हिमाचल में स्वागत होता है। तो चलिए बढ़ रहे हैं हम अपनी मंजिल की तरफ और पहुँचते हैं घर जल्द ही। हैंड साइड रीच पालमपुर, अभी बस स्टैंड के सामने हूँ और अभी घर वाले लेने के लिए आ रहे हैं। वो नीचे बस स्टैंड है, वो देखो, दूसरा साइड करके दिखाते हैं। ये पालमपुर का बस स्टैंड, और अभी यहाँ मैं पेट्रोल पंप के यहाँ खड़ी हूँ दूसरी साइड। घर वाले लेने के लिए आ रहे हैं, तो फिर देखते हैं वो आएंगे तो जाती हूँ फिर। अच्छा, ये डिक्की खोल दो, चाबी से खुलनी है, चाबी वाली। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आ जा आ जा, नहीं जाती है। हाँ अभी थोड़ी जाएगा, वही जरूर क्या, ऊपर को जाते तो हैं लोग। नहीं गाड़ी नहीं जा रही ऊपर, कभी ख्याल नहीं, मैंने तो जाते देखे, गाड़ी गई ऊपर को। हाँ जाते हैं, हेंस वी रीच्ड होम। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। एंड देखो ये क्या लाइटें लगाई हैं ना, मतलब बाहर जो ये लगाई हैं लाइटें, ये नई लगाई हैं अभी, ये जो साइड में हल्की हल्की सी लाइट आ रही है। सो चलो अब चलते हैं अंदर। अंदर चल के अपना सामान रखती हूँ, और मुझे तो कपड़े भी फटाफट से वॉशिंग मशीन में डालने हैं धोने के लिए, जो भी मैं वहाँ से लेके आई हूँ ना मोहाली से, चंडीगढ़ से अपने, तो उसको डालती हूँ मशीन में। हेलो गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट डे, तो अभी मैं थोड़ा साफ सफाई कर रही हूँ और उसके बाद देखते हैं आज के दिन का क्या प्लान बनता है। सो नहा धो लिया, सारी साफ सफाई हो गई, पूजा भी कर ली, अब मैं जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर
फिर ब्रेकफास्ट करके देखते हैं आज का क्या क्या प्लान है, मतलब जो जो काम है पेंडिंग। जैसे मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना है, सिविल हॉस्पिटल पालमपुर, और टेलर के पास भी जाना है। सो अभी देखते हैं, मतलब प्लान आउट करते हैं आफ्टर द ब्रेकफास्ट। कौन आया है हमारे घर, कौन आया है हमारे घर, पोइम कौन देखेगा, कौन देखेगा पोइम, कौन देखेगा पोइम, बताओ कौन देखेगा, बताओ। आई एम इन द किचन एंड मेकिंग राजमा चावल। सो पता नहीं इतनी लाइट, हाँ अब ठीक है थोड़ा, मतलब एकदम से लाइट पड़ रही थी ज़्यादा। सो मैं बना रही हूँ, देखिए चावल बना के फिर हम मार्केट जा रहे हैं। तो फिर मार्केट में जो जो एक्टिविटी रहेगी वो मैं शूट करूँगी, ठीक है। अभी मैं राजमा चावल बनाती हूँ। नाउ वी आर एट सिविल हॉस्पिटल पालमपुर, और यहाँ पर बनती हैं पर्चियाँ। तो अभी हम, मेरी पर्ची बन चुकी है, समर अपनी पर्ची बना रहा है। फिर हम चलते हैं ऊपर की तरफ डॉक्टर के पास, यानी कि जहाँ पे हमको जाना है। सो मुझे स्किन वाले डॉक्टर के पास जाना था, सो अभी हम उधर जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर में है। तो हम आए थे दोपहर के बाद ताकि रश कम हो, अदरवाइज़ अगर सुबह हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2-3 घंटे से पहले तो हमारा नंबर कभी लगता ही नहीं है। तो हमारा क्या, मतलब किसी का भी नहीं लगता, मतलब या तो सुबह 8 बजे आके अपनी पर्ची बना के लाइन में लग जाए, अदरवाइज़ ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दीज आर माई मेडिसिन्स रिकमेंडेड बाई द फिजिशियन, द स्किन स्पेशलिस्ट, एंड रिव्यू ऑफ डॉक्टर आर वेरी वेरी गुड। सो लेट्स ट्राई ऑल दीज स्टफ। वो हट के लेंगे अच्छी खड़ी करके यहां गाड़ी वो ले लेता, मैं वो ले लेता तो उतर जाता, यहां उतर जाता यार, गाड़ी आए पीछे के नहीं है, नहीं है तो। चलो कोई नहीं, आते टाइम ले लेना, अब भी ले लूंगा, फिर आते टाइम बड़ा वो हो जाएगा। अच्छा क्या बोलते हैं, नमस्कार जी, वो हो गया रेडी। अच्छी चीज, अच्छा आपकी सारी ब्लाउज भी, हाँ जी तैयार है। अच्छा आप यहाँ तो है नहीं खड़ा, बने भी हैं कि नहीं, हाँ मंगलानी, मंगलानी में दिया था आपने, हाँ मंगलानी ले आ, ले आई ना गई। वाह भाई नया कोट, ये हो गया था पहले, क्या है कि पहले ढूंढ रहे थे आपका, कहीं और हो गया था ना, फिर बट अभी मैं भी बस 5-10 मिनट ही, मतलब दो थे ना सेम कटिंग के लिए, हाँ तो उसके बीच में हो रहा था, फिर पर्ची दी, फिर वो बच्चा गया कहीं पे, फिर वो वहाँ से ढूंढ ढांड के ये लेके आया। नहीं नहीं आपका ही है, फिर पैंट तो 100 की जिसके ने, हां पैंट भी है सर, नहीं तो पैंट लगे थी कि वो पैंट तो, पैंट तो मिल गई ना, वो कोट नहीं मिल रहा था, तो फिर वो गए फिर देख के आए, 2 इंच कटवाई है ना, हां हां बस फिर लास्ट काम रह गया सुना, हां और आज सारे काम फटाफट ही हो गए ना, ज्यादा टाइम नहीं लगा, वरना सब ज्यादा तो डॉक्टर के वहीं खज्जल हो जाते हैं। अभी होते खज्जल अगर मास्टर जी ना होते हो, हाँ ये तो स्टाफ स्टाफ बोल बोल के हो गया काम, वो बोलेंगे कब का स्टाफ है, बोल रहे हैं कोई भी चले जा रहा है, कोई भी चले जा रहा है, हाँ क्या बोलो, हाँ क्या बोल रहा है, कोई भी चला जा रहा है, कोई भी चला जा रहा है बोल रहा है, और मैं भी उनके साथ ही सुन रहा हूँ साइड में है, पता नहीं कि अगला मैं भी जाने वाला हूँ अब,
फिर जैसे ही मेरा नाम लिया मैं भी चला गया, आज तक वो मुंह ही नहीं मिला रहे मेरे साथ ही वो बुराइयां कर रहे थे ना। स्टाफ को तो जल्दी होता है ना, लेकिन करंट स्टाफ और रिटायर्ड और क्या आपने बोला मैं स्टाफ का बंदा हूँ। डॉक्टर तो सीधा ही जाता हूँ अंदर, डॉक्टर को तो हाँ, डॉक्टर की तो यार इतनी टाइम तक जान पहचान बनेगी। क्या काम क्या जानते हैं डॉक्टर कौन है? और नहीं पड़ती पड़ती नहीं, फिर डॉक्टर को तो देखो सारे डॉक्टर जानेंगे ना। चलो जी आ गया अब हमारा सुनार भी, शुक्र है आज मुझे कितने टाइम बाद मिला है पता, 2-3 बार मैंने ट्राई की है जाने का, लग जाएगी यहाँ मेरे तो यहाँ सामान ही बड़े भाई वो सिंगल में डायमंड का ले लो आप परमानेंट। ओ ये लाई हूँ मैं आपको, ये लो अपना डायमंड का पकड़ो, इसका भी गोल्ड गिनो। इसमें क्या हो गया, ये कैसे टूट गया ऊपर? ये पक्का हो गया था और खुल नहीं रहा था, काट दिए मैंने। हाँ इसका गोल्ड गिनो। हेलो अंजी अंजी जी बेचारे दिखो ला भैया मैक्सिमम काम हो चुके हैं एंड मतलब आज तो ना फटाफट ही हो गया, जैसे डॉक्टर के पास भी कम टाइम लगा, फिर उसके बाद टेलर के पास भी कम टाइम लगा, सब कुछ प्रिपेयर ही था एंड उसके बाद ज्वेलर के पास भी कम टाइम लगा। मैंने एक गोल्ड की मतलब इयर रिंग्स लिए हैं छोटी छोटी बिल्कुल, जैसे अभी जो मैंने पहने थे वो मैंने खोल दिए हैं क्योंकि कल मैरिज में जाना है तो दूसरे पहनने पड़ेंगे, और वापस जाते टाइम में जो गोल्ड वाली हैं उनको पहनूंगी। और अब मैं यहाँ चाय रखने आई हूँ किचन में, अब हम सब चाय लेते हैं, फिर उसके बाद मैं ट्रायल करती हूँ अपने कपड़ों का जो कल पहनने। और इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग एंड नाउ वी आर गोइंग एट वेडिंग प्लेस, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी एंड आई एम एट येलो एंड दीज आर द क्लोथ्स जो हम लेके जा रहे हैं मैरिज के लिए साथ में, और हम जा रहे हैं ये है पंडोल वाला रास्ता, बैजनाथ से अंदर की साइड जाता है पंडोल, तो ये वो वाला रोड है। ये देखो इसे पता है आ ये तो है बात।
अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी अपने हाथों पे, और वैसे मेरे को लगानी नहीं थी पर मेरे को ज़बरदस्ती बोला मेहंदी लगा लो, तो फिर मैंने सोचा चलो लगा ही लेते हैं। तो चलो लेट्स इंजॉय इट। और इसके बाद मम्मी और पापा जा रहे थे घर वापस, मैं और सिद्धार्थ आज यहीं रहेंगे, तो हम जा रहे हैं उनको सी ऑफ करने के लिए, और कार में कुछ सामान है तो वो भी निकालना है, तो हम जा रहे हैं। ये देखो सिद्धार्थ आगे आगे चला हुआ है और ये पंडित जी सामने से आते हुए, और यहाँ पे लगी है हमारी गाड़ी, और शादी का अगला पार्ट आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर व्लॉग, होप यू लाइक इट, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।